आज आपका दहन हो रहा है जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या बोलूं? तो आपका क्या रोल है? ये सुदामा का रोल है। सुदामा? तो आपके आपने आप ये सुदामा का रोल कब से कर रहे हैं? सुदामा का रोल आप कब से कर रहे हैं? अरे 10 साल से यहाँ पे नहीं है। और वो इस वर्ष नहीं है, किशोर क्लब इस बार हटा दिए गए हैं, तो वो मजा नहीं आया है, सीधी सी बात। रामलीला यहाँ की ऐतिहासिक रही है और इस बार भी ऐतिहासिक है, आगे भी रहेगी। और यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा है रावण दहन को, और हमारे पीछे यहाँ पर रावण का पुतला लगाया गया है, और अभी यहाँ पर रावण दहन की तैयारी की जा रही है। अभी हम आएंगे, जब यहाँ पर रावण दहन होगा तो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले चलते हैं, हम आपको भीड़ को दिखाते हैं और अंदर घुसकर जो है आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे। भैया जमरा बताइएगा, यहाँ पर जो है रावण दहन आज कब तक हो जाएगा? रावण दहन अभी हो गया है, शाम थोड़ी देर में बस रावण दहन हो गया। और यहाँ पर पूरी व्यवस्था हो गया है जी? पूरी यहाँ पर तैयारी हो गई है? पूरी तैयारी हो चुकी है जी, अभी थोड़ी देर में भगवान राम से रावण का दहन होगा। तो जरा बताइएगा कि जब रावण दहन हो जाएगा तब क्या होगा उसके बाद? उसके बाद फिर रात में यहाँ पे कुंभकर्ण वध आई रावण वध दिखाया जाएगा। अच्छा, इसी में चलिए ठीक है, रावण वध हुआ, हम थोड़ा रावण से बातचीत करते हैं। रावण यहाँ पर मौजूद हैं, और पहले आप पूरी भीड़ को दिखाइएगा, पूरा भीड़। ये गोसाईगंज का नगर है और हमारे पीछे भीड़ भाड़ मौजूद है, पूरा दिख है, भीड़ मौजूद है। अब चलते हैं, थोड़ा रावण से बातचीत करेंगे, रावण से बातचीत करेंगे और कुछ जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। आज आपका दहन हो रहा है जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या बोलूं? आज रावण का दहन हो रहा है और आप रावण के पात्र में हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? कहना क्या है इसमें, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप बोलेंगे। बुराई पर अच्छाई भी आज जो है, मैं जो कर रहा हूं वो अपने समझ से अच्छा कर रहा हूं जी। ये बुरा है क्या है ये तो मैं, मतलब आप एक पात्र? हम एक पात्र हैं। तो जरा बताइए ये पात्र आप जो है कब से कर रहे हैं? लगभग 10 साल हो गया होगा। और 10 साल से आप इसी जो रावण के पात्र में हैं? नहीं, रावण दशरथ बाली और दशरथ बाली। तो आप इसका मंचन अभी जो है कहाँ कहाँ किया? देखिएगा, अब इसका मंचन आपने अभी तक जो कहाँ कहाँ किया? हम महाराजगंज जिले से हैं, हमारा नाम दयाशंकर पांडे है। जयसराज पांडे जी, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, यहाँ महाराजगंज आपका जिला है? जिला महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, यहाँ अयोध्या जिले में हम पहली मरतबा पहली। ये सब बस्ती जिले से हैं। रावण है सुल्तान है। और भैया आप तो क्या पद है? आप तो क्या पद है? पद पद आप किस पात्र में है? कब से कर रहे हैं? हाँ, ये नाथ का रोल आप कब से कर रहे हैं? बहुत दिनों से। राव तो मकान का है? मकान कहाँ? मकान मकान हवैया तहसील थाना पकड़िया, हवैया तहसील है। और चलेंगे, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, भाई है प्रशांत भाई, मेरा बताइए आज बुराई पर अच्छाई की विजय हो रही है, आप क्या कहेंगे? ये लोगों को ये बताया जाता है इतिहास में कि हर अच्छे काम की जीत होती है और बुरे काम की हार होती है, सत्य परास्त हो सकता है, पराजित नहीं होता है। चलिए ठीक है, भाई साहब हमारे बहुत अच्छा स्वर में बताते हैं जी जी। और आप जो रावण का जो उद्घोष करते हैं जी जी, आप बड़े जो अच्छे जो आम आदमी बोलते हैं जी जी, तो जरा बताइएगा आपको इसमें जो आप इसका जो है मंचन कब से कर रहे हैं? नहीं, हम मंचन नहीं करते थे, थोड़ा हमें अच्छा लगता था बोलने में, डायलॉग वगैरह हमारे चाचा जी हैं थोड़ा प्रोत्साहन देते थे करो, लेकिन घर वाले थोड़ा कहें कि अब जिम्मेदारी है घर का, पापा मम्मी नहीं रहे इसलिए थोड़ा जिम्मेदारी, इसलिए हैं साथ में। हम लोग का पहले दशहरा समिति अलग था, इसी में करते करते बस हो गया कहने कहने से बस।
तो आपको आपने इसको जो कहीं सीखा होगा कि वैसे बोल रहे हैं? नहीं वैसे वैसे बस सुनते 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 चलिए। और भाई साहब भी अच्छे मंच में हैं। और चलिए भाई आइए ना, जगह दिखाते हैं। और ये भीड़ भाड़ है भैया, मौजूद है भैया, नाम बताइए करना। विजय बहादुर जी। तो आपका घर का मऊ? मऊ। तो आपका क्या रोल है? ये सुदामा का रोल है। सुदामा? तो आपने आपने आप ये सुदामा का रोल तो कब से कर रहे हैं आप? सुदामा का रोल आप कब से कर रहे हैं? अरे 10 साल से। 10 साल से? 10 साल से? 10 साल से कर रहे हैं। चलिए ठीक है। सुदामा का रोल भाई साहब कर रहे हैं और भीड़ भाड़ मौजूद है, जानकारी करेंगे यहाँ पे भीड़ भाड़ मौजूद। क्या भैया कहाँ है? गोसाईगंज की रामलीला देखने। अच्छा है ये मौजूद है। अब फिलहाल शाम को तो यहाँ भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन इस समय यहाँ पर इतना भीड़ हो गया है, करीब मान चलेगा 1 लाख से कम भीड़ यहाँ पे नहीं है। और सुदामा का रोल कर रहे हैं भाई साहब आ रहे हैं, सुदामा के रोल में कर रहे हैं। अभी हमने आपसे बातचीत किया है और यहाँ पर पूरी भीड़ भाड़ मौजूद है, मान चलेगा कि ऐसा लगता है कि इसके पहले भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन मौके पर बहुत ज्यादा भीड़ होता है। और चलते हैं फिलहाल, यहाँ किसी से बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन नजारा जो है यहाँ पे पूरा भीड़ भाड़ का है। कैमरामैन से कहेंगे आप पूरा नजारा दिखाते रहिएगा, आप इस भीड़ को दिखाते रहिएगा, भीड़ को दिखाते रहिएगा। और चलते हैं कुछ लोगों से बातचीत का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर क्या भैया काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं भीड़ भाड़ में, सफाई कर्मी भी अपने अपनी सुरक्षा में मौजूद हैं। और अब कैमरा मैन पूरे लगातार से जमे हुए हैं और जमे हुए हैं। हाँ बता दीजिए, नाम बताइए। क्या सुनील कुमार, बताइए कुछ इस बारे में जो यहाँ पर गोसाईगंज की रामलीला होती है, कुछ बारे में बताइए। ये काफ़ी लंबे समय से ये प्रथा चलती आ रही है, दशहरा के मौके पर गोसाईगंज के लोग, गोसाईगंज के आसपास के लोग इस तरीके का कार्यक्रम लगातार चला रहे हैं। और मुझे लगता है हिंदू रीति रिवाज, सनातन धर्म के लिए, अपने धर्म को जानने के लिए ये ऐसे कार्यक्रमों में हम लोगों को सहयोग देना चाहिए। साथ ही जो गोसाईगंज के आसपास की जनता है काफ़ी सहयोग रहती है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं तो यहाँ पैसे से नौकरी के रूप में रहता हूँ, मैं 3 साल से यहाँ रह रहा हूँ। और गोसाईगंज ने जो सनातन धर्म की परंपरा को काफ़ी लंबे समय से चला रहे हैं, उनके लिए मैं गोसाईगंज की जनता को, आसपास की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप भी यहाँ पर शाम से जो लगे हुए हैं? जी हाँ। तो जरा बताइएगा गोसाईगंज की रामलीला और जो आज जो रावण दहन होगा उस बारे में बताइएगा जरा। किसके बारे में? जो आज रावण दहन हो रहा है। हाँ। आज बुराई पर अच्छाई की विजय हो रही है। जी हाँ। आप इस पर क्या कहेंगे? सुना ना है, पर सुना नहीं पड़ा। आज बुराई पर अच्छाई की विजय हो रही है। जी हाँ। तो आप इस पर क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे कि राम के आदर्शों पर चलना चाहिए, रावण को, रावण की जो बुराइयां हैं उस बुराइयों से दूर रहिए। जो रावण का कृत्य था, आज का समाज रावण से बड़ी बढ़कर हो गया है, रावण से बढ़कर जो आज का समाज चल रहा है, मानो रावण से बढ़कर है। रावण तब भी ठीक था उस जमाने में, उसकी अपेक्षा आज रावण से बढ़कर भी राम महारावण है। सब तब क्या किया जाए, तब क्या किया जाए? योगी बाबा हमारे हैं विनाश करने के लिए राक्षसों का।
चले ठीक है भाई साहब, मजबूत होने का नाम बताइए। नाम आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता, आज यहाँ पर आज जो आप रावण दहन देखने आए हैं जी? रावण दहन देखने आए हैं गोसाईगंज से। रावण दहन ना बहुत अच्छा लग रहा है, ऐतिहासिक क्षण है, बच्चों के लिए बहुत ही सुखद पल है, आनंद पल है, बड़ा अच्छा लग रहा है गोसाईगंज का दशहरा। तो आपको गोसाईगंज की रामलीला में क्या चीज़ जो अच्छा लगता है? यह नहीं दशहरा है तो उसका मूर्ति पूजा है, मतलब दुर्गा पूजा है, और यहाँ की जो है अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ का। यहाँ पर बच्चे बड़े उल्लास हैं, बच्चे खुश हैं, तो आप इन बच्चों को दिखाइएगा। ये लोग रावण दहन देखने आए हैं। क्या भाई कहाँ आए हो? ना बोलो क्या देखने आए हो? अच्छा लग रहा है दुर्गा पूजा? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अच्छा लग रहा है। भाई साहब मजून क्या नाम भैया? मैम बताइए। काफी सिंह। तो आज यहाँ पर आप क्या चीज देखने हैं? रावण दहन। रावण दहन देखने हैं? रावण दहन देखने आए हैं। चलिए ठीक है। तो आज रावण का दहन जो क्यों होता है? हर साल रावण का दहन किस लिए किया जाता है? अच्छाई ने बुराई पर जब जीत की थी। बुराई पर या अच्छाई कैसे होती है? मतलब अच्छाई ने बुराई पर जीत। अच्छाई ने बुराई पर जीत। अच्छाई तो नहीं है। हाँ सही है, ये भी सही है, सही है, वो भी सही है। भाई साहब से जानकारी करते हैं, भैया बताइएगा। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सूरज कुमार हमारा नाम है। जरा बताइए आज यहाँ पर रावण का दहन हो रहा है, आज इतनी भीड़ भाड़ मौजूद है, आज जो है बुराई पे जो है अच्छाई की जीत होगी, जरूर होगी। और आज ही के दिन हुई थी और गोसाईगंज राम रामलीला बड़ी जो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक तो आप जरा इस बारे में कुछ बताइए। भगवान, ये धरती भगवान लला की है, रामलला की है, और हम लोग यहाँ पे हैं, ये हम लोग की गर्व की बात है कि हम लोग यहाँ पे हैं। और ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है ये नगर का है और नगर के सहयोग से होता रहा है और अनवरत होता रहेगा। तो आप बताइए गोसाईगंज रामलीला आपकी जानकारी में कितने सालों से हो रहा है? हम पैदा नहीं हुए थे तब से हो रहा है। तब से हो रहा है। माननीय प्रेम जी थे, भोला हरिहर साहब, इन सबके माध्यम से होता रहा है और होता भी रहेगा। गोसाईगंज में जो है किशोर जब क्लब था तब से हो रहा है। हाँ किशोर क्लब। तो आपको यहाँ क्या चीज़ जो अच्छा लगा, जैसे गोसाईगंज की रामलीला में पूरा क्या अच्छा लगता? सबसे ज़्यादा हमें किशोर क्लब के जो कलाकार थे उनका वाक्य बहुत अच्छा लगता था। वो इस वर्ष नहीं है, किशोर क्लब इस बार हटा दिए गए हैं, तो वो मज़ा नहीं आया है, सीधी सी बात। अब यहाँ पे आप अब की बार बाहरी लोग आ गए। हाँ बाहरी लोग आए, इस वजह से थोड़ा मज़ा कम आया है। बाकी रामलीला तो है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है, उसमें कोई हम किंतु परंतु नहीं लगा सकते हैं, न हमारा कोई हक है। चलिए ठीक है, थोड़ा और जानकारी कर लेते हैं। यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पे क्या जा रहा है और मंचन यहाँ पे हो रहा है, सभी लोग बैठे हैं, ये लोग बाल कलाकार हैं और कलाकार लोग अपना मंचन कर रहे हैं और साथ में बच्चे भी बैठे हैं। भैया क्या नाम? भैया तुम क्या नाम है? अंकुश यादव। कहाँ से हैं? जैता है? जैता जैता। तो आप यहाँ जो कितने साल से आ रहे हैं? लगभग 5-6 साल। 5 साल से आ रहे हैं। हाँ तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ जो अच्छा लगता है? यही सब जो हो रहा है यहाँ पर। अच्छा रावण दहन। हाँ तो जरा बताइए रावण का दहन जो किस लिए होता है? रावण का दहन अच्छे बुराई पर, मतलब रावण का दहन होता है कि मतलब राम जी ने सत्य की स्थापना की थी, इसीलिए होता है। क्या किया था? सत्य की स्थापना की थी, बुराई का अंत किया था, बुराई पर अच्छाई की विजय। हाँ चलिए ठीक है, सुदामा बाबा मौजूद है और सुदामा जी कर रहे हैं। अब चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं जो युद्ध हो रहा है, युद्ध के बारे में हम आपको दिखाएंगे। और युद्ध के बारे में भाई साहब मौजूद हैं। भैया जरा कुछ पूछा आप इस बारे में बताइए, जो यहाँ का आज रावण का दहन हो रहा है, क्या बताएं? बताइए रावण के दहन पर जो बुराई और अच्छाई की आज जीत हो रही है,
ये रावण दहन जो हर साल होता है, लेकिन क्या जनता को, लोगों को इस पर कुछ अमल जो करना चाहिए, क्या उसे करना चाहिए अमल? इस बात पर अमल करना चाहिए कि असत्य पर सत्य की विजय भगवान ने भी किया था और हमको अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। क्योंकि रावण का दहन तो हर साल होता है, हाँ, लेकिन बुराइयां तब भी अपने समाज में, ये प्रतीक रूप में रावण का दहन होता है, जो कि एक असत्य का स्वरूप था उसको हटाया गया, भगवान ने हटाया है। अपने जीवन में भी इसको उतार करके दिखाना चाहिए कि भगवान ने जैसे किया वैसे हमको भी करना चाहिए। सही, केवल जो रावण का दहन जो कर देने से ये मतलब नहीं है, कोई एक प्रतीक के रूप में हम अपने बच्चों को एक संस्कार देते हैं कि जैसे भगवान ने असत्य के ऊपर सत्य की विजय प्राप्त किया था और असत्य का अंत किया था, उसी प्रकार हमको भी करना चाहिए। पहले ठीक है, कुछ यहाँ पे बालिकाएं भी हैं, हम थोड़ा जानकारी करेंगे। जरा बताओ भैया कहाँ आई हो, नाम बताओ पहले। अरे नाम बताओ, नाम नाम बताओ। पूजा वर्मा। उसने आई हो देखने आई रामलीला? रामलीला देख, रामलीला देखने आई है, छात्राएं भी हैं जो अब यहाँ पे युद्ध हो रहा है, राम और रावण का युद्ध यहाँ पे किया जा रहा है। फिलहाल अब यहाँ पे अंधेरा हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है भाई साहब जरा पूछते हैं, भैया जरा बताइएगा गोसाईगंज की रामलीला के बारे में कुछ आप बताइए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है 110 साल से, बहुत अच्छा होगा आगे, आज भी अभी अच्छे से निपटा, देख ही रहे हैं आप। एक चीज और है, हर साल जो है रावण का जो दहन हो जाता है, लेकिन हर साल जो है रावण का दहन होता है, हाँ, लेकिन समाज की जो बुराई है, क्या उस बुराई को भी रावण के साथ दहन हो जाना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, आत्मचिंतन की जरूरत है लोगों को, सिंबॉलिक हो गया है दशहरा, प्रतीकात्मक नहीं रहना चाहिए, उसमें उतरना चाहिए जीवन में। और सबसे बड़ी चीज ये है कि राम काज में जितना जो हो सके वो सपोर्ट करे, ये नहीं हो पा रहा आपने, है नहीं? क्रिएटिव भाई साहब मौजूद, भैया जरा बताइए, आप गोसाईगंज की रामलीला के आप जो है पदाधिकारी भी हैं, आप जरा इस बारे में बताइए, आपकी बार क्या यहाँ पर व्यवस्था अच्छी हुई, और क्योंकि आपकी बार कुछ भीड़ भाड़ यहाँ ज्यादा है। भीड़ भाड़ है, रामलीला का कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, धर्म के अनुरूप हम लोग कार्य करते हैं। रही बात भीड़ भाड़ की, आप देख रहे हैं कि जनता एकदम आगे पीछे भरी हुई है, और ये आप लोगों का सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। कल हमारा भरत मिलाप का कार्यक्रम है तेलियागढ़ में, जैसा हमारा आज का कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है, हम ईश्वर से आशा करेंगे आप लोगों के सहयोग से हमारा कार्यक्रम और बढ़िया होगा। विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी आप लोगों का और सारे सर्व समाज को, हमारी जो देश की जनता है, दशहरे का हार्दिक उनको धन्यवाद दिया जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए ठीक है, एक मिनट और आप समय दीजिएगा। यहाँ पर जैसा कि देखिएगा युद्ध हो रहा है, और हम चलेंगे थोड़ा अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं जी, जरा बताइएगा गोसाईगंज की रामलीला के बारे में। रामलीला यहाँ की ऐतिहासिक रही है और इस बार भी ऐतिहासिक है, आगे भी रहेगी। भीड़ पूरी है, जैसा कुछ अंदाजा था कि भीड़ कम हो जाती थी मेला में, लेकिन इस बार पूरी मेला जो है, पूरी रौनक जो है नगर की बरकरार बनी हुई है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए जी, हर साल रावण का दहन हो जाता है, लेकिन समाज में अभी अपने बुराई है, क्या रावण दहन के साथ ही बुराई का भी नाश कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, रामलीला से हम लोग केवल रामलीला देखने के लिए नहीं करते हैं, रामलीला से जो सीखें मिलती हैं वो समय समय पर बदलती रहती हैं। आज हमारे बीच में रावण जो है, बेरोजगारी का रावण है या शिक्षा की नीति के लिए रावण है, उस रावण का आज हम दहन कर रहे हैं, वो त्रेता रूप सतयुग और जो पहले के रावण थे उनका समय समय, हर साल जो रावण आ रहे हैं वो उस साल की बुराइयों को लेकर के आ रहे हैं, उसका राज करते हैं, इसलिए उसका हम विजयदशमी मना रहे हैं। चलते हैं, और यहाँ भी एक भाई साहब हैं, भाई साहब जानकारी करते हैं, जरा आप इस रामलीला के बारे में कुछ बताइए, रामलीला के बारे में बताइए कुछ। यहाँ की रामलीला, यहाँ की रामलीला बहुत पुरानी है और बहुत दिनों से हो रही है, तमाम आरी बगल के गांव के लोग यहाँ आते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। ठीक, बढ़िया है, बढ़िया है।
बढ़िया है और रामलीला कमेटी के लोग मौजूद हैं और भैया पराज जी मौजूद हैं हमारे साथ में। गोसाईगंज रामलीला कमेटी के अध्यक्ष संजय पराग जी, आज यहाँ पर बड़ी भीड़ भाड़ है और रामलीला बड़ा अच्छा हो रहा है इसीलिए लग रहा है, और आज आपकी जो मेहनत बड़े रंग ला रही है, तो आपकी कृपा है अमित तिवारी जी, आपकी कृपा है और भगवान की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको न्यूज 24 में। ये भगवान प्रभु श्री राम का काम है, आज के विजयदशमी के महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी जी का आगमन 10 मिनट के अंदर यहाँ पे हो रहा है। उनके आगमन के बाद राम रावण का युद्ध हो रहा है, युद्ध के बाद यहाँ पे रावण का दहन होगा। बहुत सकुशल मेला संपन्न हुआ, यहाँ की माताएं बहनें पुलिस प्रशासन से लेकर सब लोग सबके कृपा से हो रहा है। बाकी हम लोग कल के बाद फिर बैठेंगे, आपको बैठ देंगे। रावण का दहन करने में भाई साहब का हाथ है, इस बार कोई डिजिटल व्यवस्था नहीं है, कोई किसी व्यवस्था नहीं है, सीधा सीधा रावण दोहली से आया है, उसको आग का देना है बस। अच्छा, कुल सामान सिंपल तरीके से रावण जो लेकर आया, क्यों ऐसा क्यों है? इस बार व्यवस्था नहीं थी हमारे पास, वर्किंग हैंड नहीं था, मेरे पास बजट नहीं था, वर्किंग हैंड नहीं था, और वर्किंग हैंड और बजट पर चर्चा करेंगे 15 तारीख को आपके चैनल के माध्यम पे। ठीक है भैया, पारस वीडियो इस बार जो डिजिटल वाला कार्यक्रम नहीं हो रहा क्यों? थोड़ा अस्वस्थ थे इसलिए नहीं कर पाए, अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे। धन्यवाद, बढ़िया है, आइएगा आइएगा, चलते हैं चलते हैं। तुझे मालूम नहीं होगा, तो हम आपको उसका भी दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे। तो मैं अमित तिवारी न्यूज 24 होते हैं।